धनबाद के चर्चित उपमेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद न्यायालय में गवाही होनी थी, लेकिन मामले के नोडल अधिकारी के हाजिर नहीं होने के कारण आज की गवाही टल गई। वहीं इस दौरान न्यायालय में सशरीर हाजिर होने पहुंचे झरिया के विधायक सह हत्याकांड के आरोपी संजीव सिंह ने कहा कि षड्यंत्र के तहत उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। और रही बात आगामी विधानसभा चुनाव की, तो समय तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। ये आप शुरू से आप देख लीजिए, मैं एक बात यही कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा था कि केस में सिर्फ मैनिपुलेटेड के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन लोगों के बारे में जैसे मान लीजिए FIR करता अभिषेक सिंह जी ने यह स्पष्ट कहा कि उन्होंने मुझे देखा वहां से भागते हुए, एक आई विटनेस ने कहा कि मैं गाड़ी के पास था। ठीक है, लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पेपर, मैं पर्सनली आप सभी लोगों के पास, मैं अपने एडवोकेट से कहता हूं कि आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन पेपर चार्जशीट पेपर आप लोगों को उपलब्ध कराएं, चार्जशीट पढ़िए, बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। और पुलिस के ही इन्वेस्टिगेशन में हर तरफ से हर साल, मैंने आपको उम्मीद है कि पूरे न्याय मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हर साल जब कोई ना कोई व्यक्ति आता है तो केस में डेवलपमेंट और नया स्टोरी आता है, पुराना स्टोरी कोई नहीं आता है। जिस सिंह का लगा हुआ था उसमें एविडेंस के लिए चल रहा था तो नोडल अफसर को बुलाया गया था, आज नहीं आए वो, तो नेक्स्ट डेट जो है 19/7/2019 को लगा है जिसमें उनकी गवाही होने की संभावना है। गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है डिफेंस देंगे, डिफेंस के बाद जो है 313 होगा, इसके बाद जो है फिर आर्गुमेंट होगा, फाइनल जजमेंट होगा।